Hey, what's up guys? This is Kailash and you watching Technical Kailash YouTube channel. तो दोस्तों लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी उसमें बहुत सारे बग्स थे। यहाँ पर अब उस चीज को हम फिक्स करने के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं डायनेमिक आइसलैंड को आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हो और आईफोन की बीप की बीप लगा सकते हो। आईफोन का 1.5 लाख वाला फीचर अब आपके एंड्रॉइड में होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो चीज करनी कैसी है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आइसलैंड को डाउनलोड कर लेना है और आपको स्टेप्स मिलेंगे हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए डायरेक्ट लाइव करके दिखाते हैं। डायनेमिक आइसलैंड को सेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे आपको डायनेमिक आइसलैंड सर्च करना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन मिल जाएगी डायनेमिक आइसलैंड ग्रीसली मोबाइल करके, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई की है बट उनमें गेस्चर्स अवेलेबल नहीं है, बट इस एप्लीकेशन में गेस्चर्स अवेलेबल है। यहाँ को जस्ट आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो आपको जस्ट इजीली उनको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्न ऑन का ऑप्शन है, इसको अलाउ करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मांग रहा है, इसको यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर डाउनलोडेड और एप्स में जाने के बाद यहाँ पर डायनेमिक आइसलैंड पर अलाउ कर देना है। जैसे आप ये अलाउ करेंगे ये आपसे थोड़ी 10 सेकंड का वेट करने को बोलेगा, तो आपको इजीली ये 10 सेकंड वेट कर लेना है। जब तक ये वेट करने को बोला तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि 1.5 लाख वाला ऑप्शन आपके लिए मात्र फ्री में। यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक नॉच यहाँ पर दिख जाएगी, तो इसको बस बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको वापस उसी एप्लीकेशन में पहुँच जाना है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसको यहाँ पर ऑन करके ओके कर देंगे तो अब आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में शो हो जाएंगी। इसको भी यहाँ पर हो जा ओके, ये नोटिफिकेशन अलाउ हो गई है। अब इसको बैक करेंगे और यहाँ पर ये क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है, इसको भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो इजीली। यहाँ पर रिप्लाई चैट और मैसेज, इसको अरे ऑन हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये प्रीमियम मांगता है, बट यहाँ पर आप एक बार बैक कर देते तो यहाँ पर ये प्रीमियम मेंबरशिप बाईपास हो जाती है। इसके बाद इसको बैक करेंगे और डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मूव का ऑप्शन है, इसको आप ऑन मत करना क्योंकि इससे ये बहुत बियर्ड हो जाता है। ये मूव कर सकते हैं अपन, बट यहाँ पर इसको आप सेट करना चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ पर सेट करने के लिए एक बार इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देंगे। जैसे ये ऑफ़ हो जाता है तो इसके बाद आप इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हो। बट ये देखो आइसलैंड बन गया। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये फिक्स यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर बैक कर देंगे। इसके बाद गेस्चर्स पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टच का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टच करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, हटाओ। इसके बाद यहाँ पर आप स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप लेफ्ट के लिए राइट के लिए भी यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आप चाहते हो। अगर आप स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लेफ्ट करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। अगर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आप और क्या करना चाहते हो, बैक करना, होम करना, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आप इनको ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पर ये सारे सेटअप कंप्लीट हो गए। अब जब भी हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी तो आपको यहाँ पर देखिए डायनेमिक आइसलैंड का ऑप्शन यहाँ पर हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल में शो कर रहा है। तो अब बस यहाँ पर आपको मैसेज की इंतज़ार करना है, मैसेज जब आएगा तब हम ये इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखिए मैसेज आ गया। अब ये चीज़ अगर आती है तो आपको इस यहाँ से इसको ऑफ़ कर लेना है। जस्ट यहाँ से आप इसको रिप्लाई भी कर सकते हो और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। आप इसको बैक कर ऑन करके यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। क्योंकि ये बैक वॉलपेपर अलग सा है, बैक डार्क है इसलिए यहाँ पर अच्छे से शो नहीं कर रहा है। बट अगर हम किसी वाइट में यहाँ पर चले जाते तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डायनेमिक आइसलैंड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस बैक करना है, क्लिक करना है और यहाँ से आप सेटिंग्स में भी जाकर आप इसकी चेंजेस कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप ऑफ़ करना चाहते हो ऑफ़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें बैक डाउन करके आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो, राइट लेफ्ट करके आप यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई, आईफोन का एक फीचर आपके लिए एंड्रॉइड में मिल जाता है। तो इस प्रकार से सेट करना है, कैसे आप कर सकते हो आपने को मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है उसको भी चेकआउट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म।